नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कार के अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। मान्यता यह है कि जो सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखकर विधि विधान से इस व्रत का पालन करती है उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वर मिलता है। इस बार दोस्तों करवा चौथ 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। जिस तरह से दोस्तों करवा चौथ व्रत और पूजा का विशेष महत्व है, उसी के साथ चंद्रोदय का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों चांद निकलने और दिखने के समय में कम से कम 15 से 20 मिनट की देरी हो सकती है। दोस्तों मुंबई में चांद निकलने का जो समय है वो 8:51 पर है। इसके साथ ही दोस्तों दिल्ली में चांद निकलने का जो समय है वो 8:17 पर है। बेंगलुरु में चांद निकलने का जो समय है 8:40। कोलकाता में चांद निकलने का समय जो है 8:05 पर। मेरठ में चांद निकलने का समय जो है 8:18 पर है। आगरा में चांद निकलने का जो समय है वो 8:22 पर है। लखनऊ में चांद निकलने का जो समय है वो 8:12 पर है। मथुरा में चांद निकलने का समय 8:30 पर है। इटावा में चांद निकलने का समय 8:18 पर है। वहीं दोस्तों अजमेर में चांद निकलने का जो समय है वो 8:27 पर है। कानपुर में चांद निकलने का जो समय है वो 8:14 पर है। झुंझुनू में चांद निकलने का समय 8:20 पर है। भोपाल में चांद निकलने का समय 8:22 पर है। दोस्तों सूरत में चांद निकलने का समय जो है वो 9:05 पर है। हरिद्वार में चांद निकलने का समय 8:15 पर है। कतार में चांद निकलने का समय 8:27 पर है। दोस्तों पटना में जो चांद निकलने का समय है वो 8:02 पर है। अहमदाबाद में चांद निकलने का समय 8:54 पर है। वहीं दोस्तों अयोध्या में चांद निकलने का समय जो है वो 7:58 पर। अमृतसर में चांद निकलने का समय 8:25 पर है। और में चांद निकलने का समय 8:41 पर है। कोटा में चांद निकलने का समय 8:35 पर। ग्वालियर में चांद निकलने का समय 8:23 पर। चंडीगढ़ में चांद निकलने का समय 8:19 पर। दोस्तों यदि आपको अपने शहर में चांद निकलने का सटीक समय पता चल गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय करवा माता।